तुम में हिम्मत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर के लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि कभी कॉफी शॉप में काम करती थी श्रद्धा कपूर, पर करोड़ों की संपत्ति की है मालकिन। आज इस वीडियो में हम उनके लाइफ से जुड़ी सारी बातों को जानेंगे। कुल मिलाकर यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको श्रद्धा कपूर अच्छी लगती है तो अभी से ही वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दें, आई एम फैन ऑफ श्रद्धा कपूर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबर आपके लिए लाते रहते हैं। बॉलीवुड के मशहूर विलेन और राजा बाबू के नंदू यानी शक्ति कपूर अपने दौर के दिग्गज कलाकारों में शामिल हैं। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर भी इन दिनों इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। श्रद्धा ने अपनी एक्टिंग और लुक से सभी का दिल जीत लिया है। तीन पत्ती से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाली श्रद्धा कपूर कम समय में ही इंडस्ट्री में खास मुकाम पर पहुंच गई हैं। अपने पिता से अलग श्रद्धा कपूर आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। उनके पास लग्जरी कारें हैं तो वहीं वह कई ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। अपने दम पर उन्होंने अपने लिए एक बेहद लग्जरी लाइफ स्टाइल बना ली है। श्रद्धा के पास आलीशान घर, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं। चलिए जानते हैं श्रद्धा कपूर एक फिल्म के लिए कितने रुपए लेती हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि एक्ट्रेस ने अभिनय की दुनिया में आने से पहले कॉफी शॉप में काम किया था। श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि बॉस्टन में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने जेब खर्च के लिए कॉफी शॉप में काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस को 16 साल की उम्र में सलमान खान की फिल्म में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने साल 2010 में फिल्म तीन पत्ती से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इसके बाद श्रद्धा फिल्म लव का दी एंड में भी नजर आई। हालांकि उन्हें अपनी शुरुआती फिल्मों से कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद अभिनेत्री ने साल 2013 में महेश भट्ट की फिल्म आशिकी 2 में काम किया। इस फिल्म ने श्रद्धा को इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म की बेहतरीन सफलता के बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं। फिल्मों में अभिनय, मॉडलिंग और विज्ञापनों में काम करके श्रद्धा ने करोड़ों की संपत्ति बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा कपूर की नेटवर्थ 57 करोड़ है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्मों के अलावा श्रद्धा कई ब्रांड्स को भी इंडोर्स करती हैं, जिसमें लैक्मे, फ्लिपकार्ट, सीक्रेट टेम्पटेशन और वीट शामिल है। श्रद्धा की सालाना कमाई 6 करोड़ रुपए तक है। अगर हम उनके घर की बात करें तो बता दें, श्रद्धा कपूर के पास खुद का मुंबई में सी फेल्सिंग घर है, जिसमें वह अपनी आलिशान जिंदगी जीती हैं। इस घर की कीमत भी करोड़ों में बताई जाती है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर के पास सब अर्बन इलाके मड आइलैंड में भी उनका घर है। इसके अलावा उनका तीसरा घर मुंबई लोनावला में भी है, जिसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जाती है। अब अगर उनके कार कलेक्शन की बात करें तो आपको यह बता दें कि श्रद्धा कपूर लग्जरी कारों की भी शौकीन हैं। ऐसे में उनके पास ब्लैक कलर की मर्सिडीज ML क्लास SUV है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी अधिक है। इसके बाद श्रद्धा कपूर ने मिनी कूपर और मर्सिडीज बेंज भी खरीदी, जिनकी कीमत 3 करोड़ से भी ज़्यादा की बताई जाती है। आपको बता दें, श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और उनके फैन फॉलोइंग करीब 63 मिलियन से भी ज़्यादा है। बता दें, श्रद्धा कपूर अब तक हैदर, उंगली, ABCD2, बागी, ओके जानू, हसीना पारकर, स्त्री, लव का दी एंड, एक विलन, छिछोरे जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रद्धा आखिरी बार फिल्म बागी 3 में नजर आई थी। इस फिल्म में श्रद्धा के साथ टाइगर श्रॉफ मुख्य किरदार में नजर आए थे। श्रद्धा लव रंजन की अनटाइटल फिल्म में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के नाम की अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इस फिल्म के जरिए श्रद्धा पहली बार रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। साथ ही इस फिल्म के जरिए बोनी कपूर भी बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो यह थी श्रद्धा कपूर की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप श्रद्धा कपूर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।